नमस्कार दोस्तों, मैं आप सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर यादव पर। तो दोस्तों, जो हमने वीडियो सीरीज स्टार्ट की है टू लर्न ट्रेडिंग फॉर फ्री, उसमें जो लास्ट वीडियो थी टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स, उसमें मैंने आप लोगों को HDFC बैंक का टेक्निकल एनालिसिस करके बताया था। तो उस टेक्निकल एनालिसिस को आगे बढ़ाने से पहले मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के टॉपिक को कवर करना चाहूँगा, क्योंकि उसमें जब मैंने लास्ट वीडियो को बनाया तो एक तो जो क्वेरीज आई थी वो ये आई थी कि अगर सर आप पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताना बता देंगे, ठीक है, तो उसके बाद थोड़ा सा एनालिसिस करना इजी हो जाएगा। तो मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आज इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा, तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा बन जाए, ठीक है। और फिर उसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम टेक्निकल एनालिसिस को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, एंड आई होप कि आपको पिछली जो वीडियो है उससे थोड़ा कुछ समझ आया होगा। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट या क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट में डालकर मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे ईमेल करके पूछ सकते हैं। विशाल का मेल आया था बट मैं थोड़ा सा टाइम नहीं दे पाया, तो मैं उसको हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी कल यानी संडे को मैं उसको कॉल करूंगा, या मैं आई एम एक्सपेक्टिंग कि ही विल कॉल मी, ठीक है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के टॉपिक को कवर करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, हम एक बार बेसिक समझ लेते हैं कि बेसिक क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक ये रेंज है, ठीक है, ये मैंने एक रेंज बनाई और जो दूसरी रेंज, सॉरी जो एक रेंज बनी वो ये रेंज बनी, ठीक है। अब हमारा कोई भी स्टॉक है वो क्या करता है, यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा है, ठीक है, ये कैंडल बना रहा है और वो नीचे यहाँ पर आता है और यहाँ पर आकर वापस मुड़ जाता है यहाँ से, ठीक है। तो क्या हम इसका मतलब समझ सकते हैं कि सब यहाँ पर कहीं आकर स्टॉक में बाई हो गई है, ठीक है, कि मतलब उस स्टॉक को खरीद लिया गया है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये जो लाइन हुई, ये हुई एक सपोर्ट लाइन, ठीक है। सेम वे हम एक बार ये मान लेते हैं, ये हमारी एक जो रेंज है, इस रेंज को मैं बना देता हूँ दोबारा से, ठीक है। और जब ये रेंज बन गई, उसके बाद क्या हुआ, कोई भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है और वो ऐसे कुछ कैंडल बना रहा है, सॉरी यहाँ पर कहीं मान लो वो स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और वो क्या करता है, यहाँ ऊपर जाने की कोशिश करता है और वापस आ जाता है, ठीक है। तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ कहीं पर रेजिस्टेंस पड़ा है। तो देखिए क्या होता है, कोई भी स्टॉक अगर कहीं ऊपर जाकर वापस आ रहा है तो मतलब हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि वो जो एरिया है उस एरिया के अंदर सेलर है। सेम वे अगर कोई स्टॉक नीचे जाता है किसी रेंज के और वहाँ से वो वापस उस रेंज के अंदर घुस जाता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर बायर्स थे और उन्होंने उस स्टॉक को सपोर्ट दे दिया, ठीक है। तो ये एक तो जनरल डेफिनेशन थी, वो ये थी कि स्टॉक कहीं भी एक रेंज के बाहर जाने की कोशिश करता है, उसको वहाँ से वापस उठा दिया जाता है, ठीक है, तो उसको सपोर्ट बोलते हैं। और अगर वो किसी रेंज के ऊपर की तरफ बाहर निकलने की कोशिश करता है और वहाँ से उसको नीचे गिरा दिया जाता है वापस से उसको, तो उस एरिया को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये एक सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। अब एक चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि कोई भी स्टॉक, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर इसने सपोर्ट बनाया था, ठीक है, सेम वे यहाँ पर उसने रेजिस्टेंस बनाया था। अब एक चीज़ देखिए, मान लो कोई ये स्टॉक किसी पर्टिकुलर डे पे जाकर, ठीक है, ऐसे ये मैं रेड कैंडल बना दिया कि यहाँ आकर नीचे क्लोज हो जाता है, ठीक है, ये इस रेंज के अंदर गया, उसके बाद जो भी कुछ इसने ट्रेड किया और वापस आकर इस रेंज के बाहर यहाँ पर क्लोज हो गया, ठीक है। तो जब ये यहाँ पर क्लोज हो गया तो जो ये सपोर्ट पहले था, क्या आप मानते हैं कि अब ये जब वापस यहाँ पर जाएगा तो इसके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। सेम वे अगर यहाँ पर कोई स्टॉक है, ठीक है, और वो इस रेंज के बाहर जाकर क्लोज हो जाता है, ठीक है, तो क्या आप ये लोग ये बात मानते हैं कि अगर मान लो स्टॉक यहाँ इस रेंज के बाहर जाकर क्लोज हो गया तो जो ये पहले रेजिस्टेंस था, अब अगर मान लो ये स्टॉक यहाँ से कहीं गिरने की कोशिश करता है वापस, ठीक है, तो ये स्टॉक को यहाँ पर कहीं सपोर्ट मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है, ठीक है, क्योंकि अब जो ये रेजिस्टेंस है ये अब सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए जो जनरल डेफिनेशन है वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी स्टॉक किसी रेंज के बाहर जाने की कोशिश करता है, कहीं भी ट्रेड कर रहा है, उसके बाहर जाकर वापस से रिजेक्ट होकर अंदर आ जाता है, ठीक है,
तो वहां पर हो गया रेजिस्टेंस, और ऐसे ही अगर रेंज के नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है और वापस से उसको ऊपर फेंक दिया जाता है तो वहां नीचे हो गया सपोर्ट। ठीक है, ये तो होगी एक जनरल डेफिनेशन। अब देखिए कि हम कौन कौन से एरिया को सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक नई स्लाइड ऐड करके बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये एक कैंडल है हमारी। ठीक है, ये कैंडल हमने बनाई और इसमें लेट्स से ये एक विग है। ठीक है, और ये एक विग है। ठीक है, सेम वे हम एक और कैंडल बनाते हैं। ठीक है, और मान लो ये कैंडल यहाँ पर ऐसे बन गई। ठीक है, और इस कैंडल के मान लो ये कैंडल हैं दोनों, और इनका जो कलर है वो आप मान सकते हैं कि ग्रीन कलर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको ग्रीन कलर से फिल कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये ग्रीन कलर की कैंडल है और ये ग्रीन कलर की कैंडल है। ठीक है, तो क्या आप मानते हैं कि जब ये स्टॉक, फॉर एग्जाम्पल ये कैंडल थी, ये यहाँ कहीं ओपन हुई थी, पहले दिन जब हुआ यहाँ कहीं ओपन हुई, यहाँ कहीं क्लोज हुई, नेक्स्ट डे ये यहाँ पर ओपन हुई, उसके ऊपर जाकर क्लोज हो गई, तो क्या आप मानते हैं कि इस एरिया में जो ये वाला जो ये एरिया है, इस एरिया के अंदर हम सपोर्ट बोल सकते हैं? ठीक है, कि यहाँ पर कहीं सपोर्ट है, और जो मेन सपोर्ट होगा, जो मेन सपोर्ट हमारा होगा, वो आप मानते हैं कि इस ये जो लाइन होगी, ये सपोर्ट लाइन होगी, यहाँ पर जो हुआ है इसको बोलते हैं सपोर्ट कन्फर्मेशन। अगर ये वॉल्यूम के साथ हो जा रहा है, वॉल्यूम के साथ मतलब यहाँ पहले दिन की जितनी वॉल्यूम थी और दूसरे दिन ऐसे वॉल्यूम गई। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, यहाँ पर देखिए वॉल्यूम बढ़ गया, यहाँ पर प्राइस भी बढ़ गया। ठीक है, इसका मतलब होता है कि यहाँ जो ये एरिया है अपना, जो नीचे का ऐसा पहले दिन का जो नीचे का एरिया है, यहाँ पर सपोर्ट पड़ा है। ठीक है, और यहाँ पर उसने इस सपोर्ट को कंफर्म किया है इस एरिया में, जो ये पर्टिकुलर एरिया है, जो ये विग है इसकी कैंडल की, यहाँ पर इसने सपोर्ट कंफर्म किया है दूसरे दिन पर जाकर। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो दो लाइन लगा सकते हैं ऐसी होंगी कि ये हमारी होगी पहली लाइन। ठीक है, जो पहली लाइन है इसका ग्रीन कलर कर दिया मैंने, और जो दूसरी लाइन है ये। ठीक है, तो जो ये वाली लाइन है हमारी, इसको हम बोलेंगे सपोर्ट लाइन। तो इसको मैं बोल देता हूं सपोर्ट लाइन। ठीक है, और जो ये लाइन है इसको बोलते हैं सपोर्ट कंफर्मेशन लाइन। ठीक है, तो ये सपोर्ट कंफर्मेशन लाइन हो गई। ठीक है, अब क्या होगा कि जब ये सपोर्ट कंफर्मेशन और सपोर्ट लाइन बन गई, तो अब जब भी स्टॉक कभी भी मान लो वो कहीं ऊपर जाकर ट्रेड हो रहा है, ठीक है, ये ऊपर कहीं गया जहां पर उसने जो भी पैटर्न बनाया, और कभी भी इस एरिया में आने की कोशिश करेगा, तो उसको मोस्ट प्रोबेबली हर बार रिजेक्ट कर दिया जाएगा और वो वापस से ऊपर भेज दिया जाएगा। और कभी बाई चांस स्टॉक मान लो यहां आकर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि अब उस स्टॉक में वीकनेस आ गई है, अब वो स्टॉक हो सकता है अपने जो ट्रेंड में था पहले, ऊपर वाले ट्रेंड में, जो इस वाले ट्रेंड में था, अब उससे वो हटकर वापस से नीचे आ गया है। ठीक है, क्योंकि उसने इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। ठीक है, सेम केस हम करेंगे रेजिस्टेंस के लिए। तो मान लो ये हमारी एक लाइन है, सॉरी कैंडल है एक दिन की, और जो दूसरी कैंडल है मान लो वो कुछ ऐसी है। ठीक है, वो ऐसी कुछ कैंडल बनी है, और स्टॉक पहले दिन यहाँ पर कहीं ट्रेड हुआ, पहले दिन अगर स्टॉक अगर यहाँ पर कहीं ट्रेड हुआ है, ठीक है, तो ये मान लो उसने ये किया, उसके बाद यहाँ पर इसने विक बनाया। ठीक है, अब क्या आप मानते हैं, और फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो अपना वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेट्स से कि वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो क्या आप लोग मानते हैं कि यहाँ पर इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ प्राइस नीचे गिर रहा है? अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारी जो ये वाली लाइन होगी, ये वाली लाइन और जो दूसरी लाइन है ये वाली लाइन, तो क्या आप लोग मान सकते हैं कि यहाँ पर जो ये वाला एरिया है इसको हम रेजिस्टेंस बोल सकते हैं? तो ये हो गया रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये हो गया अपना रेजिस्टेंस कन्फर्मेशन लाइन।
ठीक है, तो ये मैंने रजिस्टेंस कन्फर्मेशन लाइन, ठीक है। तो अभी देखिए मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी स्टॉक अगर मान लो यहाँ पर जा रहा है, मैं आपको चलो एक चार्ट पे दिखा देता हूँ, ये HDFC बैंक का चार्ट है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, ये देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, इसमें इन दो दिनों में आप मानते हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, और इंक्रीज वॉल्यूम होने के साथ साथ प्राइस ऊपर गया है। तो मैं यहाँ पर इसको सपोर्ट लाइन बोलूँगा, और जो यहां पर आएगा इसको सपोर्ट कंफर्मेशन लाइन, ठीक है। सेम वे यहां पर आप देख सकते हैं कि इन दो कैंडल्स के बीच में वॉल्यूम इंक्रीज होने के साथ साथ प्राइस नीचे गिरा है, ठीक है। तो क्या आप मान सकते हैं कि जो ये एरिया होगा हमारा, जो ये पूरा एरिया होगा, इसको हम रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, और जो ये लाइन है ये हमारी रेजिस्टेंस कंफर्मेशन लाइन होती है, ठीक है। तो ये नीचे आ गया सपोर्ट, अब मैं इस लाइन को हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए आपको रेंज बताने के लिए, ठीक है। अब मैंने इस लाइन, अब मान लो एक रेंज बन गई, जब भी स्टॉक इसके बाहर जाने की कोशिश कर रहा है उसको वापस धकेल दिया जाता है, मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस है। ऐसे ही सेम वे में अगर स्टॉक कभी इसके नीचे जाने की कोशिश करेगा तो ऊपर धकेल दिया जाएगा, तो हम यहाँ पर मान सकते हैं कि यहाँ पर सपोर्ट है। और अभी अगर आप देखें तो ये इस रेंज के बाहर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा था, और इसको देखिए कितनी बार ये यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर ये कन्फर्म करता है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये वॉल्यूम इंक्रीज होने के साथ साथ सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अभी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि इसके अलावा हमारे पास कौन कौन से मेन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस होती हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बार लिस्ट बनाने की कोशिश करता हूँ कि कौन कौन से हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है। तो नंबर वन, फिस्कल ईयर हाई और फिस्कल ईयर लो, ठीक है। नंबर दो, क्वार्टर हाई या क्वार्टर लो, उसके बाद मंथली हाई या मंथली लो, उसके अलावा वीकली हाई या लो, उसके अलावा डेली हाई डेली लो, ठीक है। उसके अलावा जो और हम मानते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया कि प्राइस अप डाउन, अप डाउन विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम, ठीक है। तो ये इतने सारे मतलब काफी सारे हैं, बट आप इनको मेन कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फिजिकल ईयर हाई फिजिकल ईयर लो, कि अगर किसी फिजिकल ईयर हमारा होता है अप्रैल 1st से लेकर मार्च 31st तक, तो उस दिन उस ईयर का जो सबसे हाई पॉइंट है और सबसे लो पॉइंट है वो होंगे हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपका स्टॉक कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अगर मान लो वो हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो जो फिस्कल ईयर का हाई है वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो वो फिस्कल ईयर का हाई है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर लाइन है और यहाँ पर कहीं ट्रेड अगर कर रहा है स्टॉक, ठीक है। मान लो ये फिस्कल ईयर का अपना हाई है, ठीक है, मान लो ये फिस्कल ईयर का हाई है और ऐसे ये फिस्कल ईयर का लो है, ठीक है। और अपना स्टॉक अगर कहीं यहाँ पर कहीं ट्रेड कर रहा है तो जो ये लाइन होगी ये उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी, और अगर मान लो स्टॉक यहाँ पर कहीं ट्रेड कर रहा है तो ये जो फिस्कल ईयर का जो हाई है ये इसके लिए रेजिस्टेंस का सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पर नीचे ट्रेड कर रहा है स्टॉक वीक है और नीचे ट्रेड कर रहा है तो और फिस्कल ईयर का जो लो है वो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा अभी, ठीक है। सेम वे क्वार्टर हाई क्वार्टर लो, क्वार्टर हाई का मतलब होता है तीन महीने का जो हाई होता है, फॉर एग्जांपल अप्रैल मई जून,
सेम विद जुलाई अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो ये तीन तीन महीने के जो क्वार्टर होते हैं उसका जो हाई और लो होता है वो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेंगे। मंथली हाई लो वो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेंगे, वीकली हाई लो वो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेंगे, डेली हाई लो वो भी हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और सेम वे अगर प्राइस ऊपर या नीचे गिर रहा है विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम, जो मैंने अभी एग्जांपल देकर ये कैंडल बनाकर समझाया था, ठीक है, तो जो ये होते हैं ये भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। अब देखिए, अब जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि अगर इतनी सारी लाइन लगा दी तो पूरे हमें चार्ट के ऊपर हमें लाइनें ये लाइन दिखाई देंगी। देखिए मैं एक बार आपको बताता हूँ एक एग्जांपल, अभी एचडीएफसी बैंक ओपन है तो मैं इसी में करके बता देता हूँ, ठीक है। इसका जो फिस्कल ईयर था वो लेट्स से कि मार्च 31 2019 का जो हाई था वो होगा, तो ये कहीं दिख रहा है यहाँ से एक तारीख शुरू होगी, तो यहाँ पर मैं इसको मार्क कर देता हूँ एक बार कि ये जो है ये फिस्कल ईयर का हाई है, ठीक है, और मैं इसको काफ़ी मोटी लाइन लगा देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, स्टॉक मान लो या तो यहाँ से जितनी बार भी इसके ऊपर आसपास जाने की कोशिश करेगा तो यहाँ से रिजेक्ट होता जाएगा। ये देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ से रिजेक्ट हुआ, दोबारा गया रिजेक्ट हो गया, तीसरी बार गया रिजेक्ट हो गया, ठीक है, लेकिन फाइनली इसने इसको ऊपर क्लोज कर दिया। क्लोज कर दिया तो अब ये इसके लिए सपोर्ट का काम करना शुरू कर देगा। और देखिए आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर जब ये दोबारा आया तो सपोर्ट बन गया इसके लिए और उसके बाद से ये नीचे गिरा ही नहीं है। तो ये फिस्कल ईयर का हाई था जो इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा था। सेम वे इसका लो मान लो कहीं नीचे है, तो यहाँ पर कहीं मान लो लो है, तो ये इसके लिए पूरे साल की रेंज होगी, ठीक है। सेम वे हम लोग क्या करेंगे, क्वार्टरली, क्वार्टरली में क्या होता है, तीन तीन महीने का, फॉर एग्जांपल अभी आज हमारा जो नेक्स्ट वो स्टार्ट होगा उसमें हमारा क्वार्टर एंड हो चुका है, तो उसका जो हाई है हमारे पास वो ये हाई है, हमारा जो जुलाई का महीना स्टार्ट होगा अभी ट्रेडिंग के लिए उसमें आप मान सकते हैं कि ये वाला जो हाई है ये उसके लिए अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है, और जो इसका लो है वो ये यहाँ पर कहीं इसका लो है, ठीक है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। तो ये जो रेंज बनी है ये इसके लिए काम करेगी अब जो नेक्स्ट क्वार्टर स्टार्ट हो गया उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। तो अब हम जब नेक्स्ट क्वार्टर अभी जब हमारा आएगा, अभी फॉर एग्जांपल जुलाई में स्टार्ट होगा, तो अभी आप देखना कि सब जो स्टॉक होगा ये थोड़े दिन यहाँ पर ही ट्रैवल करता रहेगा, और अगर ये फॉर एग्जांपल ये बुलिश उसमें है, ट्रेंड में है, तो किसी दिन ये अच्छी वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेकआउट कर देगा और जब नेक्स्ट टाइम जब गिरने लगेगा तो ये इसको सपोर्ट बना लेगा, ठीक है। लेकिन आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये कि जो ये वाला है, जो रेड लाइन है, ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि ये बहुत ही सिग्निफिकेंट लेवल है, ठीक है। यहाँ पर स्टॉक जब भी आएगा हो सकता है उसको हर बार बायर मिल जाए, और उसके नीचे देखिए दूसरा जो फिस्कल अपना सॉरी जो क्वार्टर है उसका भी सपोर्ट पड़ा है, तो जो ये रेंज बन गई है अभी, ये जो ये रेड लाइन से और यहाँ तक की जो रेंज है ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की, यहाँ के बीच में स्टॉक जितनी बार भी गिरने की कोशिश करेगा और अगर फंडामेंटल सही रहे हो स्टॉक के, तो ये हर बार यहाँ से रिजेक्ट होगा और ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल ये था अपना अप्रैल से लेके उसका जून तक के हाई का मैंने जो रेंज बनाया है, उससे उसी तरह आप उससे पहले की अगर रेंज बनाने की कोशिश करेंगे तो ये देखिए 31 के आसपास का है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ रेड कलर से, क्योंकि ये जो ईयर एंड का हाई है और ये एक पर्टिकुलर क्वार्टर के ही लाइंस हैं, ठीक है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये जो रेंज है ये नीचे बनी है, जो ग्रीन वाली रेंज है ये ऊपर बनी है, तो उसका मतलब है कि स्टॉक अभी बुलिश है, इसमें अभी कोई भी बेरिश सिम्टम्स दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे आप क्वार्टर्स की रेंज बनाकर भी अपने स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं। उसी तरह हम हर महीने के, अब मैं एक मिनट के लिए इनको डिलीट कर देता हूँ इन लाइंस को, या एक मिनट रुकिए मैं महीने की आपको रेंज बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल अभी जून का महीना था, उसमें जब ये ट्रेड हुआ तो जून के महीने का आप देख सकते हैं, तो जून में के महीने की ट्रेडिंग थी वो ये ब्लू लाइन प्लस ग्रीन लाइन के बीच की थी। मई मंथ का जो ट्रेडिंग हुआ था वो मई मंथ का ट्रेडिंग हुआ था यहाँ से कहीं, इसका मैं कलर चेंज करके ग्रीन कलर कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। और जो रेंज बनी हुई है हमारी वो यहाँ कहीं की रेंज बनी हुई है, ठीक है, तो इसका कलर ग्रीन कर देते हैं। तो अभी आप देखिए
ये जो है ये मई मंथ की है, मई मंथ की लाइन, ये जो दो ग्रीन बारीक लाइनें दिख रहे हैं, ठीक है, ये मई मंथ की रेंज है, ये जून मंथ की रेंज है। तो मंथली पर्सपेक्टिव से आपने देखा तो भी स्टॉक आपको बुलिश ही नजर आया, ठीक है। तो ऐसे कर करके देखिए, हम करके सकते हैं, हमें सबसे पहले स्टॉक को एनालाइज करना होता है मैक्रो लेवल पर। मैक्रो का मतलब होता है बड़े टाइम फ्रेम पर। तो पहले मैंने ईयर क्वार्टर का देखा, देखिए ईयर का आपको दिख रहा है तो ईयर में तो ये साफ साफ इतना ऊपर हाई बनाया हुआ है तो आपको दिख जाएगा। फिर मैंने क्वार्टर का देखा तो क्वार्टर की हमारी रेंज बनी ये रेड वाली जो लाइन है, ये मोटी वाली रेड और ये बारीक वाली रेड। तो अभी जो दूसरा क्वार्टर शुरू हुआ उसमें इसने और ऊपर रेंज बना दी, तो उससे क्या पता चलता है कि क्वार्टरली में भी स्टॉक अप ट्रेंड में है। सेम वे हमने मंथ का बना के देखा तो मंथ में भी रेंज ऊपर बन रही है, तो उसका मतलब है कि मंथली में भी हमें स्टॉक ऊपर नजर आ रहा है। सेम वे हम लोग फिर इसको वीकली पे एनालाइज करेंगे और उसके बाद डेली पर। तो जब ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो हमें स्टॉक के एक पर्टिकुलर पॉइंट का पता चल जाएगा कि ये स्टॉक इसमें ट्रेवल करने ट्रेड होने वाला है, ठीक है। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इतनी सारी लाइन्स लगने के बाद प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कौन सी लाइन को हम सपोर्ट माने, कौन सी लाइन को रिजेक्ट करें। तो देखिए उसका आपको जो तरीका अपनाना पड़ेगा वो ये कि अगर आप डेली में ट्रेड कर रहे हैं तो आप वीकली लाइन्स को मार्क कीजिए और मंथली लाइंस को मार्क कर लीजिए, क्योंकि ईयर की आपको डेली डेली देखने को नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल पिछले 2 महीने से हमें ये ईयर वाली लाइन को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप स्टॉक को जब भी ट्रेड करते हैं तो डेली में डेली के जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो काम करते हैं, मंथली में मंथली के, वीकली में वीकली के। तो आप जिस टाइम फ्रेम में एनालाइज कर रहे हैं उसी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने पड़ते हैं, ठीक है। तो अभी आई होप कि आपको बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो समझ आ गई होगी कि कैसे सपोर्ट बनता है, कैसे रेजिस्टेंस बनता है, ठीक है। इसको हम सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा स्टॉक कहीं ऐसे एक कैंडल बनाया, ठीक है, और दूसरा कैंडल यहाँ बनाया, तो इसके लिए जो तीसरे दिन जब ट्रैवल करेगा तो इसके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस जो बनेंगे वो ये वाला जो रेड है, ये वाली लाइन, ये लेवल ही इसके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे, ठीक है। ये लेवल एक इंटरनल कैंडल बना के गया है ये वाला दिन, तो इस दिन मतलब क्या कंप्रेशन हुआ है, तो उस दिन क्या होगा, स्टॉक या तो इस दिन यहाँ पर गिर जाएगा या इधर की तरफ भाग जाएगा, ठीक है। जब कंप्रेशन होता है, साइडवेज हो जाता है स्टॉक थोड़ा सा, तो उसमें कंप्रेशन बनते हैं और मोस्टली इंटरनल कैंडल का जो बिहेवियर होता है वो ऊपर जाता है, फिर दूसरे लेवल की तरफ आने की कोशिश करता है। अगर पहले वो इधर की तरफ आया तो इधर से सपोर्ट लेके दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो में थोड़ा सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है वो समझ आया होगा, ठीक है। ये एक बेसिक आइडिया है। अब जब हम धीरे धीरे टेक्निकल एनालिसिस की तरफ बढ़ेंगे तो आपको एक एक लाइन का, एक एक जो मैंने आपको ये बनाकर दिखाया है इसका एक एक का आपको मीनिंग बताया जाएगा, कैसे कि वहाँ पर क्यों सपोर्ट बनाया गया, क्यों रेजिस्टेंस बनाया गया, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे और भी मेथड होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के, बट आई थिंक कि ये जो 4-5 मेथड आपने को बताए हैं मैंने, ये काफ़ी रहेंगे, ठीक है। इससे आप अच्छा खासा ट्रेड करके अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।